हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि रेलवे का कंफर्म टिकट ट्रेन छूटने के कितने समय पहले तक ट्रेन कंफर्म ट्रेन टिकट कैंसिल कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज करके ये क्वेश्चन किया था। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ कि रेलवे का कन्फर्म टिकट ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक आप ट्रेन का टिकट कैंसिल कर सकते हैं। अगर 4 घंटा पहले आप ट्रेन का टिकट कैंसिल करते हैं तो आपका जो किराया लगा रहेगा उसका 50% चार्ज कट के आपको पेमेंट जो भी होगा उसको आपको रिफंड किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप 4 घंटे के बाद बाय चांस अगर चार्ज लग गया है, इसके बाद या ट्रेन चली गई है, उसके बाद आप फाइल TDR कर सकते हैं। फाइल TDR करके आप अपना फुल रिफंड ले सकते हैं, लेकिन उसका एक कोई खास रीज़न होना चाहिए, तभी आपको फाइल TDR होगा और आपको फुल पेमेंट रिफंड मिलेगा, ठीक है। और एक बात बता देते हैं कि ट्रेन खुलने से 12 घंटा और 4 घंटा के बीच में अगर आप ट्रेन का टिकट कैंसिल करते हैं, वो चाहे कंफर्म टिकट हो या वेटिंग टिकट हो, अगर कंफर्म टिकट 12 घंटा और 4 घंटा के बीच में आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 50% चार्ज देना पड़ेगा, 50%। अगर वेटिंग टिकट रहता तो सिर्फ 60 रुपये चार्ज ही आपका कटेगा, ठीक है। 4 घंटे बाद, चार्ट लगने के बाद नहीं, ठीक है। और आप 12 घंटा से 48 घंटा के बीच में, मतलब 12 घंटा से लेकर 48 घंटा के बीच में अगर आप ट्रेन का टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 25% चार्ज रेलवे मतलब अपने पास रख के आपको 75% फेयर आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं सोचा आप लोगों को जानकारी दे दूं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा ये जानकारी काफ़ी अच्छा लगी होगी। अगर अच्छा लगी होगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंच सके।